तो बोला कि यार ये आदमी इतना अमीर है, इतने पैसे देता है, रात को जब क्रिटिकल कंडीशन में है, ही गोज टू लोकल छोटा होम्योपैथ डॉक्टर के जाता है। ये इतना अमीर आदमी है एंड इसे कोई जानता नहीं है। इस बंदे ने इसको लिखा है कि भाई मैं मिला हूँ, ये अच्छा बंदा है, ये है वो है। वो बोलता है मुझे बंदे के फैमिली की बैकग्राउंड नहीं मिल रही है। इनकम टैक्स रिपोर्ट को जाके चेक करने के लिए गए, कुछ सीए भी है को बुलाया, जा देखो भाई। वो बोलता है इनकम टैक्स रिपोर्ट फेक है। अच्छा, सब ये कि आदमी एग्जिस्ट नहीं करता इंश्योरेंस, दो दो तीन तीन कंपनीज ने कर दी है इंश्योरेंस इसकी, कैसे की? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर एक सीरीज शुरू की है मिस्टर गणेश अय्यर जी के साथ में। गणेश अय्यर जी प्रो रिस्क ग्रुप में सीईओ है। पिछली दो एपिसोड को बहुत सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिला, बहुत सारे लोगों को एक अवेयरनेस मिला इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में। तो चलिए आज एक बार फिर से मिलते हैं गणेश अय्यर जी से। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। सो गणेश जी, आपका ये जो 20-22 सालों का तजुर्बा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, यू नो इंश्योरेंस फ्रॉड पर आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो आपके इस तजुर्बे में से आज आप कौन सी कहानी आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? ओके सर, खजाने में काफ़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट आई विल पिक अप अ सिंपल केस। ओके, जो दिखने में काफ़ी सिंपल है बट एक मैसेज देना चाहता है। ओके, तो आई विल नॉट पिक अप अ मसाले वाला स्टोरी दिस टाइम। लास्ट टाइम हमने मसाले वाला उठाया था, बॉलीवुड वाला था। इस बार हम नॉर्मल रखते हैं, सिंपल घर घर की कहानी करते हैं। ओके, तो वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, इनफैक्ट टू ऑफ थ्री ऑफ देम, इनफैक्ट दे गॉट वन प्रपोजल फ्रॉम अ सिंपल पर्सन फ्रॉम सम प्लेस। तो प्रपोजल जो देखा उन्होंने नॉर्मल था कि एक बंदा है, उसको टर्म प्लान चाहिए। टर्म प्लान तो प्रोटेक्शन होती है, तो एंड उसके लिए उनको अंडर राइटिंग के लिए इनकम चाहिए, मेडिकल्स चाहिए, राइट? तो नॉर्मल कोर्स में चले गए, इनकम प्रूफ आ गया, अच्छा खासा इनकम था उनका, इनकम बाकायदा इनकम टैक्स रिपोर्ट आई थी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी अच्छी आ गई। फिर सिंस द अमाउंट वॉज ह्यूज, तो प्रोसेस के हिसाब से लोग कंपनी के सेल्स वाले पूछते हैं, भाई आप मिले हो कि नहीं कस्टमर को। तो टॉप मोस्ट पीपल उन सेल्स टीम ने भी अपने अपने कंपनीज में कहा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, बड़ा है, ये है वो है। तो एंड मार्च का बिजनेस था, ऑब्वियसली पॉलिसी इश्यू हो गए, प्रीमियम भी अच्छा खासा बड़ा प्रीमियम था हर एक कंपनी में। नाउ ये दो तीन कंपनी ने पॉलिसी तो इश्यू कर दी एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। एक साल या कुछ हो गया, सडनली वो क्लेम आ गया। अब ये क्लेम जो मसाले वाले फ्रॉड्स में होती है कि मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सुइसाइड हो गया, डाउटफुल है, वैसे कुछ नहीं, सिंपल सा क्लेम, बाकायदा एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि आदमी मर गया रात को। तो तीन में से दो इंश्योरेंस कंपनी की अमाउंट छोटी थी, एक का बहुत बड़ा था। छोटी मतलब एकदम छोटी भी नहीं थी। तो उस कंपनी ने निकाला और देखा कि चलो डेथ रिपोर्ट को स्टडी करते, कुछ क्लेम तो भरना है। तो बोला यार ये आदमी इतना अमीर है, इतने पैसे देता है, रात को जब क्रिटिकल कंडीशन में है, ही गोज टू लोकल छोटा होम्योपैथ डॉक्टर के जाता है। आई एम नॉट सेइंग होम्योपैथ डॉक्टर्स आर स्मॉल और बिग इन दैट सेंस, मतलब क्रिटिकल केस में आदमी यू डोंट गो फॉर एन अल्टरनेट मेडिसिन, यू गो फॉर लाइफ सेविंग थिंग। और वो डॉक्टर भी उसको लिख के देता है कुछ बीपी की दवाइयाँ लिख के दे रहा है, विच इज समथिंग अबनॉर्मल, एंड बंदा सडनली मर जाता है। तो जहां पर एम्बुलेंस बुक कर दी गई है, इट्स अ क्रिटिकल केयर केस, तो ये कुछ अजीब अटपटा सा लग रहा था। ऑब्वियसली फिर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, क्या हो गया भाई इसमें, कुछ गड़बड़ है क्या मेडिकल में? फिर पता चला अरे कुछ आदमी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे एड्रेस तो मिल गया लेकिन वहां पे कोई पहचानता ही नहीं इस बंदे को। ये इतना अमीर आदमी है एंड इसे कोई जानता नहीं है। तो फिर सेल्स वालों को पूछा, भाई ये कौन है? तो सेल्स वाले भी परेशान हो गए, एंड किस्मत देखो जिस बंदे ने इसको लिखा है कि भाई मैं मिला हूँ, ये अच्छा बंदा है, ये है वो है। वो बोलता है मुझे बंदे के फैमिली की बैकग्राउंड नहीं मिल रही है। तो क्लेम्स टीम आ गया, नाउ रिस्क टीम गॉट इन्वॉल्व। बोलता है भाई ये क्या चल रहा है आपका लेवल है कि देन
थोड़ी हड़बड़ी मच गई एंड देन उसके बाद पता चला कुछ इन्वेस्टिगेशन करने ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। अच्छा अब सब हिल गया कि आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। इंश्योरेंस दो दो तीन तीन कंपनीज ने कर दी है इंश्योरेंस इसकी, कैसे की? एंड डॉक्यूमेंट तो आई है, इनकम टैक्स रिपोर्ट आई है, बकायदा मेडिकल रिपोर्ट तो जहां पे एग्जामिनेशन के लिए गया वो भी हुआ है। थोड़ा चलो बैकवर्ड टेस्टिंग करते हैं क्या हो रहा है। इनकम टैक्स रिपोर्ट को जाके चेक करने के लिए गए, कुछ सीए भी को बुलाया, जा देखो भाई। बोलता है इनकम टैक्स रिपोर्ट फेक है। अच्छा, जहां पे 60-70 लाख रुपया दिखाया गया है इनकम एंड टैक्स भरी गई है, बोलता है वो रिपोर्ट ही फर्जी है। ओके, एंड वो भी 3-3 साल की। मेडिकल रिपोर्ट भी डाउट आने लग गया। जब मेडिकल सेंटर को कॉल किया, वो बोले कि हमको पता नहीं, आके गया, हमको याद नहीं, 1 साल पुराना है। बोला डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, तो देखा कि उन्होंने कोई फोटोग्राफ नहीं वेरीफाई किए, कुछ नहीं, कोई भी आदमी आ गया मेडिकल करा के क्या? नाउ वी डोंट नो वेदर समबडी एल्स हैज गॉन, बट अभी दैट कैन नॉट बी अंडन। तो केस तो जीरो में आके अटक गया कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, अब करे क्या? फिर इन्वेस्टिगेशन किया, सेल्स वालों को पूछा, तो ऊपर वाला बंदा कहता है कि मैं ब्रांच मैनेजर से पूछा था, उसने रेकमेंड की। ब्रांच मैनेजर कहता है मैंने नीचे वाले रीजन से बात की, एरिया मैनेजर से बात की, या वहाँ के लोकल वाले, वो कहता है कि सेल्स मैनेजर, वो कहता है कि अरे नहीं हमारा टॉप मोस्ट एजेंट का है। तो फिर रिस्क टीम इस कंपनी की गई, बोला एजेंट को भाई तुम कहाँ मिले इस बंदे को? वो एक लेडी थी, तुम अच्छी खासी घरेलू लेडी थी, वो कहती है नहीं सर एक्चुअली मेरे पिताजी उस कंपनी में एजेंट है और उन्होंने वहाँ पे एक थोड़ी सी पॉलिसी डाल दी, यहाँ पे डाल दी, तो उनको वहाँ पे उनका MDRT हो गया था, मेरा बड़ा अमाउंट था यहाँ पे डाल दिया, मेरा भी MDRT हो गया, मैंने तो कस्टमर को मिली नहीं, मेरे पापा मिले हैं। अभी ये कंपनी है कि उसके पापा को पूछ नहीं सकते, बट फिर भी रिलेशनशिप में पूछ लिया भाई आप कहाँ मिले। तो वो बंदा थोड़ा हड़बड़ाने लगा, तो पता चला कि बट केस बड़ा गड़बड़ है एंड दैट गाय वॉज नॉट विलिंग टू ओपन अप। तो अभी इस इंश्योरेंस कंपनीज को राइट्स नहीं किसी और से बात करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। फिर थोड़ा पुलिस केस सब हो गया इसमें चेक करने के लिए। तो बोला सेल्स वालों को कहा कि भाई तुम्हारा नॉमिनी कहाँ पे जो क्लेम कर रहा है जो ब्रांच में आया था ना, उसकी अलग स्टोरी निकल के आती है। वो नॉमिनी जो है कोई स्कूल का बस का क्लीनर है। अच्छा ओके, तो ऑब्वियसली इज नॉट रिलेटेड, ऐसा कोई आदमी नहीं है तो रिलेशनशिप है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 2-3 इंश्योरेंस कंपनी 10-12 करोड़ का अगर दे देते उसे, तो ये बस क्लीनर को मिलता 12 करोड़। तो फिर पुलिस ने भी थोड़ा उसको इंक्वायरी वगैरह की, बंदे को पकड़ा तो बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे किसी और ने कहा है। वो स्टोरी आगे आगे गई कहीं, तो फिर अटक गई थी। तो चक्कर में पता चला कि कोई तो बंदा साउथ अफ्रीका में बैठा है, उसने फंडिंग की हुई है प्रीमियम की, बिकॉज प्रीमियम वॉज इन लैक्स। ओके, क्योंकि करोड़ों की ये पॉलिसी है, बंदे की एज के हिसाब से प्रीमियम वॉज ह्यूज अमाउंट एंड दैट इज ऑल इंश्योरेंस कंपनीज आर इंटरेस्टेड। अब नॉमिनी बोलता मुझे माल नहीं किसने दी है, ये वो है, मुझे सिर्फ कहा गया कि आप पैसे कलेक्ट कर लो, मतलब उसे तो सिर्फ कमीशन मिलेगा, बाकी तो पैसा उधर जाएगा। तो इमेजिन कि पैसा कोई और फंड कहीं से बाहर से कर रहा है, एक अनजाने नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन से पॉलिसी इशू हो रही है, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया नॉमिनी बना दिया। इस सिस्टम में कितनी लूपहोल्स है कि इन द एंड द इवेंट द सेल्स टीम इज ऑल्सो नॉट बॉदर टू डू ए प्रॉपर, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था फील्ड अंडर राइटिंग कि प्राइमरी तो उनको करनी है, दे मिस आउट एवरीथिंग। तो केस चली थोड़े दिन तक, बाद में कहीं अटक गई, ऑफकोर्स क्लेम तो कोई कंपनी ने भरा नहीं, केस दफा दफा हो गया। ओके, तो नॉमिनी भी कुछ दिनों के हमको पता चला वो भी छूट गया, ऑफकोर्स देयर इज नो केस अगेंस्ट नॉमिनी। ओके ओके, सो मेरे गणेश जी, मेरे समझ में ये आता है कि साउथ अफ्रीका में बैठा एक व्यक्ति इंडिया वहाँ पे बैठ के ये दिमाग चलाता है, और इंडिया में किसी एक क्लीनर को पकड़ता है और उसे नॉमिनी बनाता है, पूरा गेम प्लान करता है और ये सक्सेसफुल भी हो जाता है, पॉलिसी इशू हो जाती है। हाँ, हालांकि क्लेम में अटक गई, लेकिन पॉलिसी इशू होने तक तो ये सक्सेस हो गया। अब आज ये तो ये कितने साल पहले की बात है? 8-10 साल पहले की बात। चलो 10 साल पहले तो समझ में आता है कि चीज़ें हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में भी ये ऐसा कोई कर सकता है, पॉसिबल है ये? फ्यूचर आई कैंट प्रेडिक्ट,
क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते फ्रॉड होगा नहीं, फ्रॉड तो होती है एंड फ्रॉडस्टर्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द सिस्टम, बट यस इट इज नॉट इजी। ओके ओके, आज के सिस्टम में और प्रोसेसेस में इतना आसान नहीं है, फ्रॉड्स हो सकती है, होना तो होता है ये, बट परसेंटेज कम हो जाएगी। ओके, रीजन इज अभी काफी कंट्रोल्स आ गई अलग अलग तरीके से, एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस कंपनीज हैव आल्सो लर्न्ड एंड डिजिटाइजेशन हैज चेंज्ड द थिंग, प्लस न्यू प्रोसेसेस जो आई हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आई हैं नए नए, उससे काफी चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इनकम टैक्स रिपोर्ट जो पहले फर्जी किसने बना दी थी, अभी शायद वो जरूरत नहीं है, यू कैन ट्राई टू गेट द इनकम टैक्स रिपोर्ट एंड वेरीफाई इट इज राइट और रॉन्ग बिफोर एट अंडर राइटिंग स्टेज। ओके, थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली अभी, और आगे जाकर के और भी आसान होगा व्हेन इट कैन बी डिजिटली वेरीफाई। फिर जो इनकम रिपोर्ट्स होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल होती है, बैलेंस शीट एटसेट्रा, दैट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड इजिली नाउ। ओके, एंड जहाँ मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, अभी आमतौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि आपको सिर्फ आईडी प्रूफ लेना नहीं, आपको वहाँ पे फोटो निकालना है लाइव, फिर वीडियो कॉलिंग भी होती है तो चेक वेदर आदमी जिंदा है कि नहीं, तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड। ओके, सो इट्स नॉट इजी कि एक नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन सडनली आ जाता है, छोटी पॉलिसीज में आ सकता है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट इन लार्ज वैल्यू केसेस इट्स नॉट इजीली पॉसिबल, प्लस अभी देयर आर न्यू रेगुलेशंस ऑन अकाउंट एग्रीगेटर्स एटसेट्रा, सो अकाउंट एग्रीगेटर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रेगुलेशन जहाँ पर कस्टमर के कंसेंट के बेसिस में सीधे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हो विदाउट टेकिंग आउट अ स्टेटमेंट, आप एड्रेस असेस कर सकते हो, करेक्ट, जो डॉक्यूमेंटेशन उसने दिए है वो सब असेस करके, म्यूचुअल फंड तो आपको एक्चुअली बंदे की इनकम लेवल पता चले, तो यू कैन नॉट फज इट, एंड जरूरी नहीं कि आप फोटोकॉपी निकाले फज कर या कलर प्रिंट दे, जो पहले होता था इवन रिसेंटली भी हो रहा है, तो वो सब और भी बंद हो जाएंगे, तो इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। सो गणेश जी, अभी ये जो फ्रॉड स्टोरी सामने निकल के आई और आपने ये जो स्टोरी बताई, तो ये स्टोरी बताने से जो मैसेज हम देना चाहते हैं, ये मैसेज एक्चुअली जा किसको रहा है? मैं एक काम करता हूँ, इसको एक मैसेज देता हूँ सेल्स टीम्स को। ओके, बिकॉज आई हैव बीन एन इंश्योरेंस पर्सन एंड एज आई ऑलवेज से दे आर द फर्स्ट लेवल अंडररेटर्स, तो वो चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे मैसेज को मैं एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर छोड़ना चाहूँगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली सेल्स टीम, जब इस एग्जाम्पल में हर अहदे का बंदा जो है सेल्स में, वो कहता है कि कस्टमर अच्छा है, हमने देखा है, हमने देखा है, मतलब वो क्या करता है, डाउन वाले पे भरोसा करता है। तो ये जो है प्रोसेस हैज टू इम्प्रूव, दे हैव टू रियलाइज कि भाई आप किसी के कहने पर कर रहे हो, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड इफ यू आर पुटिंग योर सिग्नेचर यू शुड डू योर ड्यू डिलिजेंस। ओके, वो नीचे लेवल तक जाता है, एजेंट ने भी कस्टमर को देखा नहीं, इट इज नॉनसेंस, ऐसा धंधा नहीं करते कोई भी। तो दिस इज इफ आई विल से इट्स अ रिडिकुलस प्रोसेस, मतलब आप आपके टारगेट मीट करने के लिए ये मत करो, ये एक सीरियस मैसेज है सेल्स को। ओके, यू हैव टू मीट द कस्टमर, यू हैव टू सेटिस्फाई, आपको अंदरूनी बातें पता नहीं होगी बट नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन को करोगे तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड करेक्ट। आई थिंक दीस टू कंपनीज फाइल्ड अ पुलिस केस अगेंस्ट द एजेंट ऑल्सो। ओके, सो विच इज राइट, बिकॉज आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर्स जो सिर्फ नीचे वाले के कहने पर साइन करते हैं, इट्स अ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन दैट पार्ट, करेक्ट, दे शुड डू द ड्यू डिलिजेंस, हर बंदा को एक ड्यू डिलिजेंस एक्स्ट्रा करना चाहिए, और एल्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेवल एंड फिफ्थ लेवल, राइट? सो दैट्स अ मैसेज टू द सेल्स। सेकेंड इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन आर एंटायर प्रोसेस एंड आर एंटायर सिस्टम। ओके, अभी जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी, पहले वाले इसमें भी कहा कि यू कैन नॉट गो एंड इंटरोगेट पीपल, आप इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आपकी पॉलिसी की कर सकते हो, बियॉन्ड दैट आप इंटरोगेट नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? तो दिस कैन बी डन ओनली बाय द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री, जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर एक दरार आ जाती है, एक्चुअली दरार भी नहीं, एक स्पीड ब्रेकर है, हर्डल है। देर आर कपल ऑफ सेक्शंस इन आर लॉ विच इज टॉकिंग अबाउट चीटिंग, फोर्जरी, जब 420, हम जमाने से 420 कहते हैं, 420 एक्चुअली कम्स फ्रॉम द आईपीसी सेक्शन 420। ओके, तो 419, 420 दो तीन सेक्शंस है जहां पर चीटिंग की सेक्शन लगाई जाती है, उसके बेसिस पे सजा दी जाती है लोगों को। ना क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे चीटिंग कहां हुई? तो जब इंश्योरेंस कंपनी, एक केस नहीं है, ऐसे दर्जनों, इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ केसेस है
जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी गई हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज गई हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, फिर वो या तो दर्ज नहीं होती है, दर्ज होकर कहीं रुक जाती है। रीजन, पुलिस पूछती है कि आपका क्या नुकसान हुआ इसमें, आपने तो क्लेम नहीं भरा, रिपीडिएट कर दिया, तो फिर आपके साथ चीटिंग कहां हुई? वेयर इज द फाइनेंशियल लॉस दैट हैज हैपेंड टू यू? बिकॉज दिस सेक्शंस वांट अ फाइनेंशियल लॉस, अ चीटिंग इज ऑन दैट ग्राउंड। तो अटेम्प्ट जो पार्ट है वो आती नहीं यहां पे, सो वो केस कहीं रुक जाती है। जैसे मैंने कहा नॉमिनी अपना पता लगा कि सब निकल गए, बेल पे निकले या कुछ भी, वो केस भी कहीं खत्म हो जाता है। इतने सारे करोड़ों केस अटके हुए हैं, ये कहाँ पॉलिसी में? बिकॉज ये तो सिस्टम में ही इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बिकॉज देयर इज नो लॉ फॉर इट। ड्यूरिंग आर इंश्योरेंस डेज व्हेन आई वाज इन द कंपनी एंड ऑल, हमने ट्राई की थी कि जब इंश्योरेंस एक्ट चेंज हो रही है तो इंश्योरेंस के नहीं सेक्शंस है, बट समहाउ दैट वाज नॉट प्रायोरिटाइज्ड। इंश्योरेंस एक्ट को तो रिलीज कर दिया विद न्यू गुड सेक्शंस एंड ऑल, बट देयर इज नथिंग इन द लॉ। आईपीसी तो आज भी वैसे ही है, इंडियन पिनल कोड। ओके, इंश्योरेंस एक्ट में देयर इज नथिंग लाइक एन इंश्योरेंस क्राइम। मेनी डेवलप्ड नेशंस हैव गॉट समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल क्राइम, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइम नामक कोई सेक्शन ही नहीं है, लॉ ही नहीं है टेक्निकली, जिसे किसी को सजा दी जाए। तो अगर एक गणेश अय्यर डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस फ्रॉड करे, वो चंद पैसे डाल देता है, इट कुड बी हंड्रेड थाउजेंड्स और लैक्स, दैट इज इज इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? या तो उसे क्लेम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर क्लेम मिल गया तो ही इज मेड इज मनी, जो गैम्बलिंग उसको 10x 100x जो भी मिलना उसको मिल गया। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? जो प्रीमियम है वो चला गया, उसके अलावा क्या होगा? तो इट इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू गैम्बलिंग फॉर मी कि आई लूज माय प्रीमियम और आई गेन अ बिग बॉनफायर टाइप्स बोनांजा मिलता है, तो आई हैव नथिंग एल्स टू लूज। मेरा आई डोंट लूज माय पर्सनल प्रॉपर्टी, आई डोंट लूज माय नेम, आई डोंट गो बिहाइंड बार्स, तो क्योंकि मुझे पता है कि कुछ होने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? एंड पीपल गो बियॉन्ड, इसमें तो मर्डर्स तक भी चले जाते हैं कभी कभी, लाइक अर्लियर स्टोरी वी स्पोक अबाउट मर्डर्स ऑल्सो, सो इंश्योरेंस क्राइम में मर्डर्स भी आ जाती है, बट नाउ मर्डर के लिए देयर इज अ क्राइम, बट अगेन कनेक्टिंग दैट बिकम्स डिफिकल्ट। इंश्योरेंस कंपनी मे नॉट गो टू दैट स्टेप कि मर्डर को प्रूव कर पाए, तो वो भी कहीं रुक जाएगी एंड अनसॉल्व केसेस में रह जाएंगे कभी कभी। तो एनी वे विल नॉट टॉक अबाउट दैट फॉर द मोमेंट, बट नॉर्मल फाइनेंशियल फ्रॉड अगर कोई करता है तो वॉट मे हैपन टू हिम? माई आंसर इज प्रोबेबली नथिंग। सो यू मीन टू से कि इतना बड़ा गैप है कि एक आदमी ने इतनी बड़ी फ्रॉड प्लानिंग की और फ्रॉड प्लानिंग पकड़े जाने के बाद में भी वो फ्रॉड प्लानिंग जो है वो किसी लॉ में नहीं है कि इसको सजा होगी। वो सजा तो तब हो सकती है जब उसको क्लेम मिल जाता, तब मेरा फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होता और उसके बाद में देन वो फ्रॉड में माना जाएगा। इतना बड़ा गैप, देन आई हैड टू गो फॉर रिकवरी एंड रिकवरी इज नॉट इजी। एब्सोल्युटली, हाउ टू से मैंने क्लेम भर दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मुझे फिर प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ चीटिंग कैसे हुई, उसके बाद शायद रिकवरी के लिए कर पाए। बट अगर मैंने प्रिवेंशन की तो माई क्वेश्चन इज, जैसे हम हेल्थ में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके, तो अभी भी हम आजकल वेलनेस की बातें कर रहे हैं हेल्थ में, कि वेलनेस में प्रिवेंशन करो ताकि आपको बाद में ट्रीटमेंट ना करना पड़े। तो इन द फाइनेंशियल फ्रॉड साइड ऑल्सो एज अ नेशन वी शुड हैव प्रिवेंशन, कि भाई एनकरेज क्यों करें हम ऐसे चीजों को, कि बाद में पकड़े जाए उसके बाद देखा जाएगा टाइप्स। अगर प्रिवेंशन को कर हम लोग रोक सकते हैं, इट विल बी ग्रेट। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों के पास आना चाहूंगा और दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत अच्छा अवेयरनेस मार्केट में देने वाली ये स्टोरी है। आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी के बारे में? पहले हमारी स्टोरी में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, आपके भी जो कमेंट्स हैं, यू आर वेरी मच ओपन टू से एनीथिंग, जो भी आपने फील किया इस स्टोरी के बारे में कमेंट्स आपके लिखें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, आपके जान पहचान में वो सभी लोग जो इंश्योरेंस की दुनिया में हैं, जिन्हें ये सब खबरों को सुनने में जानने में मज़ा आता है, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।